To tell my travel, come alive. दोस्तों वेलकम बैक टू तो माई चैनल अनदर डे अनदर व्लाग चाय बन रही है अलीज़ा के चैनल पर जी हाँ जी कॉफ़ी की जगह ले ली है चाय ने क्योंकि मुझे परफेक्ट दूध मिल गया है चाय के लिए जिससे चाय बहुत ही टेस्टी डिलिशियस बनती है मेरे मतलब की बनती है और वो दूध है अलमरई का अवेपोरेटेड uh, मल्क जो कि चाय बनाने के लिए इस्तेमाल होता है इससे परफेक्ट कलर आया है और इसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगा है सेम टेस्ट जैसा मैं टी टाइम की चाय पीती हूँ इसका टेस्ट मुझे वैसा ही लगा है तो इसलिए मैंने कहा इसको अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेती हूँ और चाय को लाइफ में इन कर लेती हूँ दोबारा से अच्छा जी ये मैंने चीज़ बन्स बनाए हैं चीज़ बंद बोल लें हनी कॉम ब्रेड बॉल लें ये मैंने बनाई है इसकी रेसिपी अभी मेरे चैनल पर अपलोड हुई है ज़रूर देखिएगा बहुत डिलीशियस बहुत मजे के बने हैं तो ये चाय के साथ मैं खाऊंगी और ये मेरा नाश्ता हो जाएगा और बन की रेसिपी जो है वो मैं नीचे लिंक कर रही हूँ इसी बेसिक रेसिपी को रमदान में यूज़ करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से बनाएंगे तो मैंने उसकी बेसिक रेसिपी आज अपलोड कर दी है इन शमदान में इसमें डिफरेंट डिफरेंट दि फीलिंग्स के साथ डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों के साथ इन बंस को बनाएंगे आज मैंने इसमें चीज़ फ़िल की थी बहुत ही मज़े के बने थे माशाल्लाह तो जब भी मैं रोटी बना रही हूँ हस्बैंड के लिए मैंने तो बन खाए थे साथ में मैंने चाय पी ली थी मेरा ब्रेकफास्ट लंच दोनों हो गया है हस्बैंड के लिए मैंने बनाई है जी मलाई हांडी सेम रेसिपी जो मेरे चैनल पर मलाई बोटी की है उसी को इस्तेमाल करते हुए सेम उसी तरीके से जैसे मैं मुगलाई मलाई बोटी बनाती हूँ सेम लाइक दैट इसको मैंने मैरिनेट करके डायरेक्ट वॉक में डालकर स्लो फ्लेम पर छोड़ दिया था कुक होने के लिए बस ये था कि इसमें जो दही था वो एक कप क्या था मलाई बोटी में दो से तीन चम्मच आता है तो बस ये डिफरेंस था बकाया सब कुछ सेम टू सेम वही था दही गया है उससे ये थोड़ी क्रीमी बनी है और इसमें थोड़ी सी मसाला सा बन गया है अगर आप इसमें क्रीम ऐड कर देंगे तो ये मलाई हांडी वाइट कराही टाइप बन जाएगा मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा क्रीमी और बहुत ज़्यादा वो वाली चीज़ें नहीं पसंद चीज़ वाली तो इसीलिए इसको मैंने दही के साथ बनाया है अदरवाइज़ आप इसमें क्रीम ऐड कर लेंगे तो ये व्हाइट हांडी टाइप बन जाएगी और बहुत 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 अच्छी बनी थी माशाल्लाह सो so, ये वो चीज़ें हैं जो कि मैं कल आई थी और ये इसमें वो एलईडी लाइट्स हैं जो कि मून और स्टार वाली चार सितारे वाली हैं रमदान स्पेशल वाली तो ये अभी जब घर में मैं लगाऊंगी फिर आपको दिखाऊंगी अभी निकालूंगी तो यू you नो know, वो फिर अटक वटक जाती हैं तो मैं नहीं चाहती कोई को हो इसकी प्राइस जो थी वो फोर थी और वहाँ पर डिफरेंट डिज़ाइंस थे और डिफरेंट उनकी फिर प्राइसेस भी थी ये जो थी ये 4.5 की थी कुछ 3.9 की थी कुछ 3.7 की थी तो उस हिसाब से पैसे थे मैंने ये वाली चूज़ की थी क्योंकि इसमें चाँद और जो सितारा था वो दोनों बहुत ही खूबसूरत बने हुए थे और मुझे देखने में ही ज़्यादा अपील किए थे तो इसलिए मैंने ये वाला बॉक्स चूज़ किया था उसके बाद नाजी से जी मैंने लिया था हेयर कलर और साथ में मैंने लिया था सीरम अच्छा मैंने जो मैं कलर जो यूज़ करती हूँ उसका जो बॉक्स होता है वो ब्लू होता है बकाया सब कुछ सेम होता है नेक्स्ट टाइम जो मैंने चूज़ किया ले लिया था गलती से वो रेड कलर का बॉक्स था जो आप देख रहे हैं और मैं यूज़ करती हूँ डार्क ब्लॉन्ड इस बार मैं लाइट ब्लॉन्ड लाई हूँ क्योंकि जो लास्ट टाइम डार्क ब्लॉन्ड आया था इट्स वेरी डार्क 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 कि उसने मेरे रूट्स पे कुछ किया ही नहीं था लाइक मेरे रूट्स वैसे के वैसे काले के काले ही थे तो मैं लाइट ब्लॉन्ड लाई हूँ इसको मैं मिक्स कर लूँगी उसके साथ हाफ एंड हाफ़ या शायद ये थोड़ी ज़्यादा डाल लूँगी तो फिर जो मेरे बालों का जो डाई है उसके साथ ये मैच कर जाएगा अदरवाइज़ वो डाई कलर लगाने के बाद डिफरेंस ज़रा सा भी फील नहीं हुआ था फिर मैंने अपनी हेयर स्टाइल से पूछा तो उसने मुझे बताया कि तुमने जो बहुत इंटेंस वाली रेंज है वो चूज़ कर लिया है तो इसलिए फिर मैं अब ये लाइट वाला शेड लाई हूँ साथ में ये अनर्जी कॉस्मेटिक का मैं कैरेंटिन सिरम ले आई हूँ और जब ये सब वहाँ पर उठा रहे थे और मैंने भी देखा देखी ले लिया कि अच्छा मैं भी ट्राई करूँगी आपको पता है मैं ट्रस्ट मेगा सीरम यूज़ कर रही हूँ लास्ट दो सालों से एंड आई एम वेरी सेटिसफाइड एंड वेरी कॉन्टेंट विद द सीरम अच्छा ये मैं लेके आई और मैं कल जब घर से निकली थी तो मैं शावर लेके गई थी तो मेरे बाल गीले थे जब मैं घर आई मैंने कहा इसको ट्राई करती हूँ मैंने इसके दो से तीन ड्रॉप्स अपने पूरे बालों में लगाया आपको पता है जब ज़्यादा देर तक गीले बाल आप रखो बंद करके तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता उनको सुलझाना जब मैंने इस सीरम को लगाया ट्रस्ट मी इस विद इन नो टाइम मेरे बालों में से सारे टैंगल्स निकल गए और मेरे बाल इतने शाइनी और इतने स्मूथ और मुझे मज़ा आ रहा था अपने बालों को टच करने में बहुत अच्छा फील हुआ तो ये सीरम मैंने आते ही लगाया और उसके बाद मेरा फिर मैंने दो तीन घंटे तक देखा कि क्या डिफरेंस फील आता है बहुत शाइनी बाल थे मेरे बहुत स्मूथ थे और हेल्दी लग रहे थे मुझे तो ये सीरम तो हो गया है पास और अब मेरा नेक्स्ट जब चक्कर लगेगा तो मैं जाकर इसके दो से तीन तरह के और भी हैं एक था जिससे आपके स्प्लिटेंट्स जो होते हैं वो उनको बिल्कुल लॉक कर देता है वो मैं लेके कर आऊँगी और फिर मैंने घर आके पूरी इनकी वेबसाइट पे गई मैंने रिसर्च किया देखा रिव्यूज़ पढ़े तो अभी जो इनके बाकी प्रोडक्ट्स हैं वो भी मैं लेके कर आऊँगी क्योंकि पूरी रेंज पर फिफ्टी परसेंट ऑफ था नेक्स्ट ये मैंने लिया था ये कैंडल स्टैंड्स लिए थे बहुत ही खूबसूरत से थे और मेरे लिविंग की जो थीम है उसके साथ ये बहुत अच्छे से जाएंगे तो ये दोनों में दो लिए मैंने सेम एक जैसे गोल्ड में ये कॉपर और गोल्ड में है दोनों ही एक तरह के सेम सेम हैं लेकिन मेरा दिल है कि मैं इनके साथ डी करके इसके नीचे कोई स्टैंड सा बनाऊं और इसको थोड़ा सा एलिवेट कर दूं लेट्स सी मैं करती भी हूँ कि नहीं करती हूँ तो दोनों एक जैसे मैंने ये लिए थे साथ में मैंने आ, कैंडल्स ली थी इनके अंदर चलाने के लिए तो बस रमदान में अच्छा लगता है जब थोड़ी सी कैंडल चल रही होती घर में और रोशनी होती है नमाज वाले एरिया में तो मैंने कहा चलो उसके लिए मैं ले लेती हूँ तो बस जी ये वो थोड़ी सी शॉपिंग थी जो कि मैंने की है और जो जिस चीज़ के लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वो सीरम है क्योंकि सीरम वॉज अमेजिंग अमेजिंग अगर आप नाजी स्टोर जा सकते हैं तो जाकर जरूर इस सीरम को ले लें क्योंकि बहुत अच्छा था लाइक पहली बार में ही मुझे इसे प्यार हो गया था अच्छा ये कैंडल्स हैं और ये नॉर्मल वाली कैंडल्स हैं सेंटेड नहीं है तो बस जी ये थोड़ी सी शॉपिंग थी जो कि मैंने की है और सबसे जरूरी चीज़ जो मैंने ली है वो है ईयरबड्स जो कि एक हफ्ते से ख़त्म थे और मुझे इतनी उलझन हो रही थी क्योंकि मुझे बहुत आदत है अपने कान साफ़ करने की स्पेशली जब मैं वज़ू करती हूँ और पानी थोड़ा सा भी रह जाए कानों में तो मुझे उलझन होती है शावर के बाद वज़ू के बाद तो बहुत ही आदत है मुझे तो ये ख़त्म थी तो जैसे मछली पानी के बगैर तड़पती है ना वैसे मैं भी थी कि शावर लेती थी तो मुझे याद आती थी कि एयरबर्ड्स नहीं है वज़ू करती थी तो याद आता था कि एयरबर्ड्स नहीं है और बस मैंने कहा ये ले लेते हैं तो खैर जी ये सारी वो थोड़ी सी शॉपिंग थी जो कि मैंने कल की है और कल का दिन तो बहुत ही अजीब सा था मैंने काफ़ी रैंट किया लेकिन ट्रस्ट में बिल्कुल भी अच्छा दिन नहीं था और ज़रूरी नहीं हर दिन अच्छा हो तभी आपका दिन बुरा भी होता है कुछ उसमें एक्साइटिंग नहीं भी होता कुछ उसमें आपको अच्छा नहीं लगता तो कल वैसा दिन था और सबकी लाइफ में ऐसा कोई ना कोई दिन आता ही आता है ऐसा कोई दिन नहीं होता कि आप घर से निकलें जो सोच के जाएँ वैसा ही हो तो इसीलिए मेरा भी दिन कल का अच्छा नहीं था और जो मैंने रिव्यू दिया था कराची वाला का वो हंड्रेड परसेंट सही है अगर आपको उनका खाना पसंद है तो इट्स योर चॉइस मुझे उनका खाना नहीं पसंद इट्स माई ओपिनियन क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगा उनका एम्बियंस तो खैर जी ये सारी चीज़ें थी जो कि मैंने कल ली हैं अब लाइट्स लगाएंगे और इनशाला आपको दिखाएँगे but i have to stay afloat it's nice be a person you don't want can somebody see me other thing going to do going to do where's a life I मुझे गुड न्यूज़ है फाइनली मुझे मेरी गाड़ी मिल गई है और वो सारे पेपर्स का जो मसला था रिजॉल्व हो गया है आज मैं खुद आई हूँ ड्राइव करके और यूजुअली हस्बैंड होते हैं साथ उनके पास अब बिल्कुल टाइम नहीं है और मैदान आने में बहुत कम दिन रह गए हैं मैंने काफ़ी कुछ आ, प्लान करके रखा हुआ है कि मुझे आपके साथ डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें शेयर करनी है फ़ूड प्रपेशन करके रखनी है तो मैंने कहा अगर मैं हस्बैंड के इंतज़ार में बैठी रहूँगी तो मेरा टाइम ही ज़ाया होगा क्योंकि लॉकडाउन है कर्फ्यू है आठ तारीख तक तो उसके बाद दिन so, इसलिए आज जैसे ही मेरी अच्छा वैसे गाड़ी मेरी दो दिन पहले ही आ गई थी लेकिन आज मैं निकली हूँ ताकि मैं अपनी जितनी भी मेरी चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड हैं जो मुझे नई रेसिपीज़ बनानी है नई फूड प्रपेशन करनी है उसके के लिए मुझे जो जो, जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं ले रही हूं सही है ये रेसिपीज़ बनाने के लिए मैं शॉपिंग करने आई हूँ और जो मेजर जो रमदान की होती है जैसे कि आटा चावल बेसन और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो मैं रमादान से चार पाँच दिन पहले ले लूँगी क्योंकि अभी मेरे पास काफ़ी सामान है घर में तो आज मैं वो सारी चीज़ें लेने आई हूँ जिसके साथ मैं अभी कमिंग डेज़ में आपके साथ बहुत मज़े मज़े की डिफरेंट चीज़ें शेयर करूँगी वैसे जो बेसिक चीज़ें हमारे घर में बनती हैं समोसे पकौड़े रोल डिफरेंट टाइप की चटनियाँ हो गई चिकन की मैरिनेशनस हो गई पराठे कबाब वो ऑलरेडी दो साल के जो भी मैंने व्लॉग्स बनाए रमा के उनके कंप्लीट डिटेल वीडियोस सेपरेट मैंने शेयर की एवरी ईयर तो उनके लिंक्स मैं नीचे दे दूंगी कि डिफरेंट टाइप्स के, के पकौड़े कैसे बनाने हैं पराठे बनाकर फ्रीज़ कैसे करने हैं कबाब बनाकर फ्रीज कैसे करने हैं कर है, जो भी मेन जो होती है हमारी समोसे रोल उनकी कम्प्लीट रेसिपीज़ मैं अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ लिंक्स मैं नीचे दे दूँगी तो आप उनको फॉलो करके अपनी बेसिक प्रपरेशन तो कभी भी कर सकते हैं इस साल मैं वो वाली चीज़ें नहीं बनाऊंगी जो कि हर साल बनाती हूँ वो भी बनाऊंगी ऑब्वियसली माशाल्लाह तीस दिन होते हैं तो मैं वो भी साथ साथ बनाऊंगी लेकिन मैं आ, इस बार समोसे इस तरह की चीज़ें बनाकर फ्रीज़ नहीं करूँगी इस बार मैं थोड़ी डिफरेंट चीज़ें बनाऊँगी जो कि मेरे लिए भी नहीं हो आपके लिए भी नहीं हो और इस बार हम सिर्फ दो लोग होंगे लास्ट टाइम मेरे देवर भी थे मेरे साथ तो ज़्यादा चीज़ें बनी थी ज़्यादा प्रपरेशन होती थी तो इस बार मैं थोड़ी सी डिफरेंट सी करने वाली हूँ जी प्रपरेशन चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट होंगी तो इन आपको बहुत मज़ा आएगा रमादान के ब्लाग देख कर और ये रेसिपीज़ इनशाला मैं कुछ दिन में शूट कर लूँगी फिर एडिट कर कर आपके साथ शेयर कर दूँगी जितना जल्दी होगा उतना जल्दी मैं कर दूंगी लेकिन आई एम श्योर आपको ये पसंद आएंगे अलहमदिल्ला जो जो मुझे सामान चाहिए था वो मैंने ले लिया है और आज से मैंने एक डिसीजन लिया है कि आज से मैं हस्बैंड को तंग नहीं करूंगी मुझे जहाँ जाना होगा मैं खुद जाऊंगी क्योंकि ऑब्वियसली आई हैव अ लाइसेंस तो मुझे उसको यूज़ करना चाहिए और मुझे अब थोड़ा सा उनको स्पेस देनी चाहिए क्योंकि मेरे हस्बैंड के पास बहुत कुछ होता करने के लिए उनकी रूटीन बहुत बहुत टफ़ होती है तो मैं उनको थोड़ी सी रिलैक्सेशन देना चाहती हूँ कि उनको मेरी टेंशन ना हो या घर की कोई टेंशन ना हो तो अब से आप मुझे अकेले ही घूमते फिरते हुए देखा करेंगे लेकिन ये था कि अच्छा लगता है कि आप जब टोटली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो उसकी भी एक अलग खुशी होती तो आज जैसे कि मैं अकेली आई हूँ हस्बैंड को खाना दिया वो सो गए और मैं गाड़ी निकाल के आ गई कि चलो मैं जाके काम कर आती हूँ तो इस चीज़ की भी एक अलग से खुशी है और आई थिंक कि मुझे अभी इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए था काफ़ी देर पहले हो जाना चाहिए था एक साल पहले हो जाना चाहिए था जब लाइसेंस मिला था लेकिन मैंने थोड़ी सी देर कर दी क्योंकि मुझे अच्छी लगती है उनकी कंपनी और मुझे अच्छा लगता है उनके साथ जाना लेकिन चलें अब राइट टाइम है क्योंकि कर्फ्यू है लॉकडाउन है बिज़नेस के इशूज़ हैं तो आई थिंक उनको स्पेस देनी बनती ही बनती है तो चल रहे जी मेरी ऑफिशियल रमदान की प्रपरेशन स्टार्ट हो गई है इनशाला कल से अब नए ब्लॉग्स देखेंगे तो उसके लिए स्टे ट्यून आई एल सी यू टुमो बाई बाय